भारत सरकार बहुत जल्दी मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है। इस नीलामी से सरकार को 5.5 लाख करोड़ रुपए की मोटी कमाई हो सकती है। दरअसल ट्राई ने मोबाइल एयरवेज के नीलामी का प्रस्ताव पेश किया है। ट्राई का मानना है कि इससे टेलीकॉम सेवाओं में आने वाली बाधाओं को खत्म करने में आसानी होगी। 2000 मेगाहर्ट्ज तक को खुले मार्केट में उतारने से खराब टेलीकॉम सर्विसेज को सुधारने में मदद मिल सकेगी। हालांकि इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री पर भी दबाव बढ़ सकता है, जो पहले ही कर्ज तले दबी है। आपको बता दें कि 5.5 लाख करोड़ की कमाई सरकार को वास्तविक कीमतों पर होने का अनुमान है। यदि कंपनियां बोली में अधिक उत्साह दिखाती हैं तो ये रकम और बढ़ सकती है। गौरतलब है कि इस साल के बीच में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम की भी नीलामी हो सकती है। इससे सरकार के खजाने में बड़ी रकम आने की संभावना है। सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से हो सकती है, जबकि इस पर 11,500 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। जबकि इंडस्ट्री के एनालिस्ट और प्लेयर इसे बेहद खर्चीला करार दे रहे हैं। इसके अलावा 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी के जरिए भी सरकार को भारी आमदनी होने की संभावना है। कुछ बैंड्स पर ट्राई ने पूरे भारत के लिए बोलियां आमंत्रित करने का सुझाव दिया है, क्योंकि देश के करीब 2 दर्जन टेलीकॉम सर्कल्स में पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है।